YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कंप्यूटर बाबा पर निशाना साधा, कहा कंप्यूटर बाबा तो फर्जी बाबा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है और तांत्रिकों के भरोसे कांग्रेस के नेता पार्टी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। भवारी विधानसभा में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुँचे थे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। गुना शहर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमान टेकरी के सामने पूरा पोशर रोड स्थित राम टेकरी पहाड़ी को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। राम टेकरी पहाड़ी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखते हुए पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने आज 31 जुलाई को प्रदेश के ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा स्थल भ्रमण कर कार्य योजना बताई गई। इस मौके पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, वन मंडल अधिकारी डी के पालीवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, इंदौर के आर्किटेक्ट लोकेश तिवारी, गजेंद्र सिंह सिकरवार, शैलेंद्र लुम्बा आदि मौजूद रहे। मकसूदनगढ़ की उकाबत पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। 8 लाख कीमत की स्मैक के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसके पास से पुलिस ने 29,000 नगद और 3 मोटरसाइकिल की बरामद। कोरोना जिला अपडेट, आज टोटल 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए गुना में। 3 गुना के चौधरन कॉलोनी के हैं निवास, एक 45 वर्षीय पुरुष व 2 महिलाएं 26 और 27 वर्ष की हैं। एक आरोन का वार्ड क्रमांक 8 का 34 वर्षीय पुरुष भी आया पॉजिटिव। आज टोटल 73 रिपोर्ट हुई प्राप्त। जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया नया आदेश, गुना दिनांक 22 जुलाई से शनिवार व रविवार बीनागंज चाचौड़ा में रविवार व सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन के साथ ही प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया जाकर आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई थी, जिसमें संशोधित करते हुए निम्न अतिरिक्त सेवाओं को कर्फ्यू अवधि एवं लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है। दूध बिक्रय वितरण प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी सेवा को छूट नहीं होगी। ये आदेश 31 जुलाई से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने खत्म कर दी एलपीजी पे मिलने वाली सब्सिडी, घरेलू गैस पे मिलने वाली सब्सिडी अब हुई खत्म। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य यानी बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत कम हो गई है। इसी बीच सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे में दोनों सिलेंडरों के बीच मवेरी थाना क्षेत्र के विशनवाड़ा गांव समरानिया रास्ते पर भावी सोनी की दुकान से अज्ञात चोरों ने दुकान की शटर तोड़कर दुकान में रखी 2 किलो चांदी, नगदी, सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर अज्ञात चोर चुरा ले गए। दुकान मालिक की अगर माने तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन होने पर मार्केट बंद रहने व सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार होने के कारण आज बाजार में काफी भीड़ देखी गई। लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंस को दरकिनार करते हुए आज खरीदारी की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी गुना ग्रामीण की जिला कार्यकारिणी सूची की गई जारी। पैसे नहीं दे पाने के कारण किसी भी छात्र की टीसी नहीं रोके प्राइवेट विद्यालय। प्राइवेट विद्यालयों के संचालकों एवं प्राचार्यों की बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश। कलेक्टर गुना ने हुसैनपुर से आए मजदूरों से अपना वादा निभाया और एसपी कलेक्टर पहुंचे हुसैनपुर गांव में और जानी गांव की समस्याएं।
हाँ सीधी बात है गांव की भाषा। आप ऐसा करो सर, मंगलवार को आपकी जिम्मेदारी है 17 तारीख को इनको, बल्कि इनको ही बुला ले। हाँ, आप भी मंगलवार को जो है मंगलवार को आप भी ये भी आएंगे और आपके गांव के पास लोग आएंगे, अलग अलग घर के 5 आदमी चाहिए, अलग अलग के 5 आदमी चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप भी आएंगे मंगलवार को 18 तारीख रहेंगे उस तारीख को। और दो तीन दिन में कैंप कर लो सर, सारे डिपार्टमेंट के ब्लॉग बना लो, जो हम दे सकते हैं नियम इनको पहले कर दो। इनको तो क्या असलियत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके मन में है कि कल शनिवार व परसों रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण शहर में आज लोगों की काफी भीड़ देखी गई। लोग मार्केट में अपने जरूरी काम निपटाने के लिए पहुंचे, वहीं शाम होते होते हनुमान चौराहे पर बनी जाम की स्थिति। भारत विकास परिषद की एक अभिनव पहल, स्वनिर्मित राखी निर्माण एवं चीनी सामान का बहिष्कार का नारा देते हुए आज भारत विकास परिषद की महिलाओं ने अपने भाइयों के लिए एक अनोखी राखियां तैयार की। बाबस्तियों में जाकर भारत विकास की ओर से राखियां बांधी जाएंगी। आगामी शनिवार रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के चलते मार्केट बंद होने व पेट्रोल की सेवाएं भी बंद होने के कारण आज पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भुल्लनपुरा बुजरिया तालाब एवी रोड के पास कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, वहां पर रह रहे रहवासियों के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सैंपल लिए गए। पूर्व मंत्री बमोरी क्षेत्र के विकास की पिरोधा की पुण्यतिथि सादगी पूर्ण रूप से मनाई गई। जिला कांग्रेस ने किया आयोजन, पूर्व गल्ला मंडी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर समूचे अंचल में सरल सादगी की पहचान के रूप में पहचान बनाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री स्वर्गीय शिव प्रताप सिंह को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद किया गया। राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह रहे आगर दौरे पर। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कर्ज माफी हमारा संकल्प था जिसको आगर में हमने पूरा किया है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में द्वितीय चरण तक पहुंच चुके थे, लेकिन भाजपा के लालच ने किसानों को योजना से वंचित कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी गण कंसिंह भिलाला, सारूबाई, गोविंद बा, जितेंद्र भिलाला निवासी ग्राम खैरी खता को भेजा जेल। विशेष न्यायाधीश गुना ने नाबालिग के साथ गलत काम करने वाले महेंद्र बंजारा व लाखन को भेजा जेल, मामला थाना जामनेर का। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के संबंध में वेबिनार से पूरे देश में सेमिनार आयोजित। गुना मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि आज वेबिनार के माध्यम से चाइल्ड ट्रैफिकिंग विषय पर सेंट्रल एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग भोपाल द्वारा सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश में पुलिस महानिदेशक व समस्त अभियोजन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बारिश न होने के कारण सोयाबीन और मक्का की फसलें सूखने लगी हैं। ग्रामों में किसानों ने बारिश होने की कामना जताई है, अगर बारिश नहीं होती है तो किसानों का काफी नुकसान हो सकता है। आहरण तहसील के ग्राम डमरियाई में मक्का और सोयाबीन की फसल अब सूखने लगी है, एक महीने से बारिश नहीं हुई। किसान ने कर्ज लेके सोयाबीन मक्का दोनों फसल बोई थी। आज मंगल भवन राधुगढ़ में सफाई मित्रों की मीटिंग ली गई। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र शर्मा एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी हरीश कुमार श्रीवास्तव समस्त सफाई कर्मचारियों को किया निर्देशित। गुना के भुल्लनपुरा स्थित मैरिज गार्डन के पीछे की मुख्य सड़क पर रहने वाले शिक्षक शिक्षिका ने नाली बनने पर जताया विरोध। मोहल्लेवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस मामले में जांच के लिए सौंपा ज्ञापन। मकसूदनगढ़ जिला कांग्रेस महामंत्री बने नंद किशोर शर्मा। दरअसल हम आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में मकसूदनगढ़ के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर शर्मा को भी जिला कांग्रेस महामंत्री बनाया गया है। जिला कलेक्टर गुना के आदेश पर धाकड़ कॉलोनी, नजूल कॉलोनी, भौरा कॉम्प्लेक्स एरिया का कंटेनमेंट जोन हटाया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या कारण है कि जब भी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है खाद की किल्लत और कालाबाजारी होती है। उसका एकमात्र कारण है भारतीय जनता पार्टी खाद के व्यापारियों के साथ गठबंधन करके खुद ब्लैक मार्केटिंग कराती है। खेती किसानी किसान भाई खरीफ फसलों मक्का मूंग उड़द धान में सिंचाई का करें प्रबंध। खरीफ फसलों के लिए कृषि विभाग की उपयोगी सलाह। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कंप्यूटर बाबा पर निशाना साधा। कहा, कंप्यूटर बाबा तो फर्जी बाबा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है और तांत्रिकों के भरोसे कांग्रेस के नेता पार्टी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मवारी विधानसभा में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुँचे थे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। बाबा तो फर्जी आदमी है, इनके बारे में क्यों पूछते रहते हैं? अभी तो कांग्रेस तो अब कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस में नेता नहीं बचे, कांग्रेस में तांत्रिकों के सारे को पार्टी चलाने का विचार चल रहा है। तो ये तो सब गड़बड़ ज्यादा काम है। हाँ, और इसमें हम बहुत अच्छा बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखेंगे और हजारों की संख्या में पूरा वृक्षारोपण किया जाएगा, हरियाली बने और एक सुंदर वातावरण राम टेकरी का बने, यही हमारा संकल्प है। गुना शहर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमान टेकरी के सामने पूरा पोशर रोड स्थित राम टेकरी पहाड़ी को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। राम टेकरी पहाड़ी के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखते हुए पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने आज 31 जुलाई को प्रदेश के ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा स्थल भ्रमण कर कार्य योजना बताई गयी। इस मौके पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, वनमंडल अधिकारी डीके पालीवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, इंदौर के आर्किटेक्ट लोकेश तिवारी, गजेंद्र सिंह सिकरवार, शैलेंद्र लुम्बा आदि मौजूद रहे। हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम और हम लोगों ने सबने निर्णय लिया है प्रशासन के सहयोग से, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय, सीओ जिला पंचायत, डीएफओ साहब, जनपद सीओ, सारे लोग, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये हमारे गुना की एक धरोहर है। बगल में आप देखेंगे ये हमारा हनुमान टेकरी का स्थान है और ये स्थान इसको हमने राम टेकरी के नाम से हमने इसको किया है। ये भी बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत चमत्कारिक है और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में राम श्री राम मंदिर का पूजन करेंगे उसी दिन हम लोग भी यहाँ पर विधिवत रूप से पूजन करके और इस राम टेकरी स्थान को पूर्णतः विकसित करेंगे। मकसूदनगढ़ की उकाबत पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की। 8 लाख कीमत की स्मैक के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसके पास से पुलिस ने 29,000 नगद और 3 मोटरसाइकिल की बरामद। दरअसल हम आपको बता दें कि आज उकाबत पुलिस गुना में प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें उकाबत चौकी प्रभारी जयवीर सिंह बघेल ने खुलासा किया कि उकाबत पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जिसमें 4 आरोपियों को उकाबत पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 मोटरसाइकिल, 29,000 नगद सहित 80 ग्राम स्मैक, जिसकी बाजार में कीमत करीब 8 लाख के आसपास है। आरोपियों को पकड़ने के दौरान एक आरोपी ने आरक्षक का हाथ भी खा लिया था, कांच की बोतल आरक्षक के पेट में घुसाने की कोशिश भी की थी। पुलिस की सूझबूझ से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये ड्रग्स माफियाओं का अंतर्राज्यीय गिरोह को हमने पकड़ा है। इसमें जो सबसे बड़ा स्मगलर है अपने गुना जिला, राजगढ़ और विदिशा, 3 जिलों में जो सबसे बड़ा सप्लायर स्मगलर महेंद्र मीना, उसके महेंद्र मीना पुत्र हरिप्रसाद मीना, निवासी ग्राम कानाखेड़ी, थाना कुमराज। इसमें पूर्व में भी 5 मामले NDPS एक्ट के तहत पंजीबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा ये आदतन अपराधी है, 2 इस पर 307 के मुकदमे भी हैं एवं 380 चोरी के मुकदमे भी हैं और बिना लाइसेंस की बंदूकें, पिस्टल्स रखता है, इस पर 2 मामले आर्म्स एक्ट के भी हैं। ये बहुत बड़ा, इसके अलावा ये 5,000 का इनामी फरारी वारंटी था थाना चाचौड़ा का और इसका वर्तमान में एक और वारंट है थाना कुमराज का। ये इनामी बदमाश से 5,000 का इसको पकड़ा, जो ये जिससे माल रहता था वो राजस्थान का था, तो राजस्थान का है, रवि जोगी झालावाड़ जिले का है, घाटोली थाना क्षेत्र का, उससे ये माल लेता था राजस्थान से, तो हमने उसको ही पकड़ा, राजस्थान का है, उससे ये माल लेता था और ये जिनको सप्लाई करता था
उनमें दो लोग हैं, एक दिनेश मीना गेहूंखेड़ी थाना चाचौड़ा और दूसरा मंचला हेमंत अग्रवाल निवासी मधुसूदनगढ़ जो कि लोकल में पूरा सप्लायर था इसमें एक का। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप हमने इसको पकड़ा है। इसमें टोटल 8 लाख का स्मैक है और 1 लाख कीमती मोटरसाइकिलें हैं। इसके अलावा 29,000 रुपये नकदी हमने बरामद किया है। जो लेने देने वाले थे उनसे 29,000 रुपये नकद बरामद हुआ है। 8 लाख की स्मैक बरामद हुई है, 80 ग्राम स्मैक है। इसके अलावा 1 लाख कीमती 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं और हम इनको अभी पेश कर रहे हैं न्यायालय में। इसके बाद हम न्यायालय माननीय न्यायालय से अपील करेंगे कि हमको PR मिले पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड के बाद हम इनसे और पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि ये माल और राजस्थान में किससे लेते हैं और किस किस को देते हैं। इसके बाद हम इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाएंगे। सर, कार्रवाई के दौरान क्या पुलिस पर भी हमले किया आरोपियों ने? हाँ, ये जो फरारी आरोपी है महेंद्र मीना जो आतंक अपराधी है, उसको पकड़ते समय हमारे एक कांस्टेबल शिवेंद्र सिंह चौहान को उसने काट लिया। बताना शिवेंद्र, ये उसने दांतों से काट लिया, तो इसका हमने इलाज करवाया। इसके अलावा उसने एक बोतल फोड़ के पेट में ही मारने की कोशिश की थी, तो बड़ी मुश्किल से उससे बचे हैं। तो बहुत बड़ा ये गैंगस्टर है, इसलिए हम इसको हथकड़ी लगा के ले जाएंगे। मवर थाना क्षेत्र के विशनवाड़ा गांव समरानिया रास्ते पर भावी सोनी की दुकान से अज्ञात चोरों ने दुकान की शटर तोड़कर दुकान में रखी 2 किलो चांदी, नकदी, CCTV कैमरे, DVR अज्ञात चोर चुरा ले गए। दुकान मालिक की अगर माने तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है? नाम भविष कुमार सोनी। कौन से गाँव से आयो? विशनवाड़ा। क्या हो गया? मैंने देखा आज रात में मेरी चोरी हो चुकी है, जिसमें मेरे डेस्क में 1.5 किलो चांदी का सामान पड़ा था और 4 किलो चांदी का माल ग्राहकों का बनने के लिए पड़ा था। सारा माल ले गए चोर। लगभग कितने रुपए की चोरी होगी? लगभग 3 से 4 लाख रुपए का माल था मेरा, सब कुछ ले गए वो लोग। तो थाने में रिपोर्ट कर दी? जी बिल्कुल, मैंने थाने में FIR अभी दर्ज कराई, अभी जस्ट करके ही आया हूँ। कुछ जानकारी है कौन लोग थे? जानकारी कुछ पता नहीं है, मेरे सब कुछ डॉक्यूमेंट थे यहाँ पर ही छोड़ गए मुझे, लेकिन माल सारा ले चुके हैं। अच्छा, कब की घटना आई? आज सुबह मॉर्निंग में देखा मैंने, तो आज रात की घटना। भारत विकास परिषद की एक अभिनव पहल, स्वनिर्मित राखी निर्माण एवं चीनी सामान का बहिष्कार का नारा देते हुए आज भारत विकास परिषद की महिलाओं ने अपने भाइयों के लिए एक अनोखी राखियां तैयार की। बाबस्तियों में जाकर भारत विकास की ओर से राखियां बांधी जाएंगी। ये राखी पे मनी प्लांट का मैं दिखा रही हूँ, छोटी सी डंगाल आई थी इसकी, उसने क्या किया, राखी के ऊपर एक राखी भेजी उसकी प्लास्टिक टाइप में लगा के, और उस राखी के अंदर उसने इसको लगा दिया, एक छोटी सी थैली ली उसमें इसको लगा दिया, और उसके बाद एक कप लिया, कप में उसने नारियल के जो जटाएं होती हैं छोटे छोटे बारीक बारीक पीस के वो डाल दिए और उसके समेत ले लिया, और उसको हमने फिर राखी बांधने के बाद में हमने राखी इसके समेत उसको बांध दी कलाई पे इस प्रकार, और उसके बाद हमने फिर जो है इसको गमले में लगा दिया, और आज उस थोड़े से दिन में ये काफ़ी बड़ा पेड़ बन गया, और पेड़ बनने के बाद में इसका कई सारी काट ब्रांचेज बढ़ती जाती हैं, हम अलग अलग गमलों में लगाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये ना राजन की कज़न ने जो है उसको इतना अच्छा प्यार भरा राखी भेजी, जिसको इतने गमलों में हरियाली होगी, पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है इससे। तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरह की पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली राखियाँ भी बनाई जाएँ, और सबको पता चले कि किस प्रकार से पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार की राखी बनाई जा सकती है। इंडोर प्लांट हो जाए, इंडोर का भी हमारा ऑक्सीजन वगैरह जो है वो एकदम अच्छी ऑक्सीजन रहे, ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, इंडोर प्लांट भी कंपलसरी है, तो इस प्रकार हम इंडोर प्लांट्स को भी बढ़ावा दे सकते हैं। जी, आपका नाम? उसका नाम है हमारी कजन भतीजी का नाम सुमति सचदेवा, और उसने राजन अरोरा हमारे पुत्र राजन अरोरा मॉडल स्कूल प्रिंसिपल का बेटा है, मेरा बेटा है, और ना मैं प्रिंसिपल मॉडल स्कूल संतोष अरोरा, मेरा बेटा राजन अरोरा, उसको मेरी भतीजी ने राखी दे दी थी इस प्रकार की राखी। ये भारत विकास परिषद गुना शाखा द्वारा अभी चूंकि COVID-19 के कारण बहुत संकट से गुजर रहा हमारा समाज, तो ऐसे में हम भारत विकास परिषद के लोग ये संदेश देना चाहते हैं समाज में कि हम घर पर ही अपने भाइयों के लिए राखी बनाएं, और इसके लिए हमने प्रतियोगिताएं भी आयोजित की हैं जो हमारे परिषद के सदस्यों के लिए है,
और उसमें जूनियर और सीनियर वर्ग के लोगों को हमने प्रतियोगिता द्वारा वीडियो बनाकर घर से भी राखी बनाने के लिए प्रेरित किया है और प्रतियोगिता में हम पुरस्कृत भी करेंगे जो प्रथम स्थित रति आएंगे। इसके पीछे हमारा संदेश यही है कि माननीय मोदी जी का संदेश है कि हमारे भारत को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए और चीनी सामान के बहिष्कार के को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने द्वारा निर्मित घर पर निर्मित राखियों को बनाएंगे और ये मुहिम गरीब बस्तियों तक भी जाएगी और गरीब परिवार की बहनों को भी परिषद के माध्यम से राखी बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और गरीब बच्चों को राखियाँ बांधी जाएगी। और उसके पीछे यही संदेश है कि हम अपने रक्षा सूत्र को स्वयं बनाएं और जब भाई की कलाई पे वो रक्षा सूत्र बंधेगा तो एक हमारा जो प्यार है अपने हाथ से बनी राखी का उसकी बात ही अलग होती है। और वैसे तो राखियाँ बहुत महंगी महंगी राखियाँ और कई अलग अलग प्रकार की राखियाँ बाजार से मिलती है रेडीमेड, लेकिन जब हम स्वयं निर्मित करते हैं तो उसमें हमारा प्यार भरा है और हमारी आत्मनिर्भरता का संदेश समाज को जाता है। स्वयं की निर्मित की हुई राखी भाई की कलाई पर बांधते समय क्या महसूस करेंगे आप? हम उस भाई को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप ये रक्षा सूत्र हम बांध रहे हैं तो आप हमारी तो रक्षा करेंगे ही, साथ ही हमारे राष्ट्र पर जो संकट आया हुआ है उसमें भी आप उस संकट को दूर करने में भी आप बीड़ा उठाएं और हमारे देश को पूरे विश्व में भी विश्व गुरु बनाने के लिए तत्पर हो, हमारा ये संदेश इस रक्षाबंधन में रहेगा। क्या नाम है आपका? मधुबाला सक्सेना, भारत विकास परिषद में जिला उपाध्यक्ष के पद पर। कलेक्टर गुना ने हुसैनपुर से आए मजदूरों से अपना वादा निभाया और एसपी कलेक्टर पहुंचे हुसैनपुर गांव में और जानी गांव की समस्याएं। हाँ, सीधी बात है, गांव की भाषा। आप ऐसा करो, मंगलवार को आपकी जिम्मेदारी है 17 तारीख को इनको, बल्कि इनको ही बुला ले। आप भी मंगलवार को जो है, मंगलवार को आप भी आएंगे और आपके गांव के पास लोग आएंगे, अलग अलग घर के पास आदमी चाहिए, अलग अलग पांच आदमी चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप भी आएंगे मंगलवार को 18 तारीख रहेंगे उस तारीख को। और दो तीन दिन में कैंप कर लो, सारे डिपार्टमेंट के ब्लॉक बना लो, जो हम दे सकते हैं नियम इनको पहले कर दो। इनको देखो क्या असलियत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके मन में है कि गुना के भुंडनपुरा स्थित मैरिज गार्डन के पीछे की मुख्य सड़क पर रहने वाले शिक्षक शिक्षिका ने नाली बनने पर जताया विरोध। मोहल्लेवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस मामले में जांच के लिए सौंपा ज्ञापन। गुना के साइंस सिटी कॉलोनी की रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक आवेदन दिया है, जिसमें रहने वाले मोहल्लेवासियों का कहना है कि 20 साल से वे लगातार यहां की कॉलोनी में प्रवेश की मुख्य सड़क के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए वे राजनेताओं के साथ साथ अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, जिस पर अब जाकर उनकी सुनवाई हुई और यहां सड़क और नाली का निर्माण शुरू हुआ है। अभी नाली बनना पूरी ही नहीं हो पाया था कि यहां रहने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक बाल किशन ओझा, शिक्षिका प्रमिला ओझा ने सड़क नाली निर्माण का विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने यहां पड़ी सरकारी सड़क के हिस्से की 3.5 फीट जगह पर निर्माण नहीं करने का कहकर इस पर अपना फिर से हक जता दिया और काम रुकवाने की धमकी दे डाली। शिक्षक बालकृष्ण का कहना है कि वे सरकारी 3.5 फीट जगह उसके आगे है, इसलिए उसका कब्जा रहेगा। सड़क रुकने से नाराज मोहल्लेवासियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। आज हम सब नगर की साइंस सिटी कॉलोनी भुल्लनपुरा के पास जो नज़दीक है उस 24 नंबर वार्ड से, वहाँ से हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे पास में आज 25 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके बहुत संघर्ष के बाद एक रोड आई है, जिस रोड पर जो निर्माण चालू है उसमें कुछ जो असामाजिक तत्व के जो एक महिला और एक पुरुष हैं जो शासकीय शिक्षक हैं, वो है ना उस रोड पर व्यवधान डालना है और उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है और वो कब्जा खाली नहीं कर रहे हैं और रोड बनने नहीं दे रहे हैं। मकसूदनगढ़ जिला कांग्रेस महामंत्री बने नंद किशोर शर्मा। दरअसल हम आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों के तूर पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें पार्टी की ओर से जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में मकसूदनगढ़ के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर शर्मा को भी जिला कांग्रेस महामंत्री बनाया गया है। साथ ही मकसूदनगढ़ के जशमाल भिलाला एवं दशरथ राव को भी पार्टी ने विशेष आमंत्रित सदस्य का दर्जा दिया है। वहीं
वहीं विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह राजपूत ने पदाधिकारियों को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी हैं। साथ ही तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाइयां दी। कार्यकारिणी के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनसे कामना करता हूं कि वो संगठन के लिए अच्छा काम करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या कारण है कि जब भी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है खाद की किल्लत और कालाबाजारी होती है। उसका एकमात्र कारण है भारतीय जनता पार्टी खाद के व्यापारियों के साथ गठबंधन करके खुद ब्लैक मार्केटिंग कराती है। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में जब जब भाजपा सरकार आती है खाद की किल्लत होती है, यूरिया डीएपी और पोटैश कालाबाजारी बिकता है। उसका एकमात्र कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है खाद के व्यापारियों के साथ गठबंधन करके खुद ब्लैक मार्केटिंग कराती है और उससे अवैध धंधा करके पैसे कमाते हैं। 10 साल तक मेरे मुख्यमंत्री काल में हमने पूरी खाद का वितरण सहकारिता के माध्यम से हम कराते थे। मेरे साथी सुभाष यादव जी मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कृषि विभाग के मंत्री रहे थे और उन्होंने बिल्कुल साफ कह रखा था कि हम एक बोरी भी प्राइवेट एजेंसीज को नहीं देंगे। उसके कारण कहीं कोई किल्लत नहीं आई, खाद समय पे मिलता था, एडवांस स्टॉकिंग होती थी सोसाइटी पे गोदाम में और खाद आसानी से मिल जाता था। भाजपा के राज में अब आप फिर देख रहे हैं कि किस तरह से किल्लत हो रही है। उसका कारण क्या है? ये लोग अधिकांश जो कोटा आता है केंद्र सरकार से वो प्राइवेट कंपनियों को दे देते हैं, प्राइवेट ट्रेडर को दे देते हैं और वो कालाबाजारी करते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी के राज में 80% हम लोगों ने सहकारिता के माध्यम से बिकवाई थी और 20% व्यापारियों के, उसमें भी 20% में भी लोगों ने कालाबाजारी करने का प्रयास किया। जब उन्होंने सख्ती से कार्रवाई की तो कई लोगों को उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। यदि आज मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी रोकना है तो पूरा वितरण सहकारिता के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, निजी हाथों में नहीं देना चाहिए, तभी जाकर कालाबाजारी रोक पाएंगे। क्योंकि आज यूरिया जो है 500-550 रुपया बोरी में बिक रहा है, मिल नहीं रहा है और कई बड़े किसानों ने हत्या लिया है और वे उसकी कालाबाजारी में व्यापारी का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि पूर्ण वितरण खाद का सहकारिता के माध्यम से ही कराया जाना चाहिए, निजी व्यापारी द्वारा नहीं कराना चाहिए। धन्यवाद।